वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। यूपीएससी सिविल सेवा 2020 की टेस्ट सीरीज चल रही थी। 96 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे, यह है टेस्ट नंबर 97। इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न, चलिए स्टार्ट करते हैं। टेस्ट 6 सेकंड का टाइम मिलेगा, 5 से 6 सेकंड का टाइम मिलेगा, बड़े बड़े स्टेटमेंट वाले प्रश्न हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग की पहचान हेतु राज्यों को भी आधार बताया गया था? किसमें कहा था ऐसा? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में नहीं था ये, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ भी नहीं है, ये था TMA पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक की सरकार, TM पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य। तो देखिए, TMA पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य 2002 मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग की पहचान के लिए 2 आधार बताए गए थे। पहला आधार है राष्ट्रीय, दूसरा है प्रांतीय। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंडियन डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। IDRSS यह भविष्य के अंतरिक्ष कार्यक्रमों में अंतरिक्ष और इसरो के बीच संपर्क को बेहतर बनाने की एक प्रणाली है। यह मौसम की निगरानी रखने के लिए अंतरिक्ष में भेजा गया एक संचार सैटेलाइट है और इसका उद्देश्य भारत के दुर्गम इलाकों में बाढ़ की समस्या से बचाव करना है। देखिए, इंडियन डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम बिल्कुल भी इसका यूज़ बाढ़ की समस्या से बचाव के लिए नहीं है और ना ही अंतरिक्ष में भेजा गया है मौसम की निगरानी करने के लिए, गलत है वाला भी। तो पहला करेक्ट है, दूसरा गलत, तीसरा गलत, तो एलिमिनेट कर दो और आंसर निकाल दो, केवल एक सही हो जाएगा इसका। तो इंडियन डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम जो है 2 उपग्रह से मिलकर बना है। इसका उद्देश्य विभिन्न उपग्रहों के बीच डेटा का आदान प्रदान कर भविष्य में अंतरिक्ष कार्यक्रमों में अंतरिक्ष और इसरो के बीच संपर्क को बेहतर बनाना है, न कि मौसम की निगरानी रखना या बाढ़ की समस्या से बचाव करना। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। इस प्रणाली में आर्गन और हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। किस प्रणाली में? हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्रणाली में। गलत स्टेटमेंट, केवल हाइड्रोजन है, आर्गन नहीं है, तो पूरा कट जाएगा। इस प्रणाली में उप उत्पाद के रूप में जल का निर्माण होता है और इस प्रणाली में रासायनिक ऊर्जा जो है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो करेक्ट है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज होती है, तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। और उप उत्पाद जो इसका निकलेगा वो जल निकलेगा, तो दूसरा भी सही है, पहला गलत हो गया क्योंकि हाइड्रोजन फ्यूल है इसमें और आर्गन यहाँ पर नहीं है, तो 2-3 हो जाएगा इसका आंसर पर। तो देखिए, हाइड्रोजन फ्यूल सेल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का प्रयोग होता है परंतु आर्गन का नहीं होता, इसलिए गलत है पहला। और हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्रणाली में उप उत्पाद के रूप में जल का निर्माण होता है, तो दूसरा करेक्ट हो गया। और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में परिवर्तित होती है, तो तीसरा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जापान के सामने निक्की, अमेरिका के सामने नैसडेक, हांगकांग के सामने हैंग सेंग, है क्या ये? तो देखिए, ये हैं देश और सामने है इनकी शेयर मार्केट। तो करेक्ट है, जापान का निक्की है और अमेरिका का नैसडेक है। इंडिया का क्या है? निफ्टी। और हैंग सेंग हांगकांग का, तो सही है तीनों के तीनों, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, संसार के प्रमुख देश और उनके हैं ये शेयर बाजार। तो जापान का निक्की है, अमेरिका का नैसडेक, हांगकांग का है हैंग सेंग और भारत का निफ्टी। क्वेश्चन नंबर 5 है, महादेवी वन्यजीव अभयारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह तमिलनाडु में स्थित है और इस अभयारण्य की आधिकारिक घोषणा वर्ष 1999 में की गई थी। महादेवी वन्यजीव अभयारण्य, देखिए तमिलनाडु में नहीं है, गलत है स्टेटमेंट पहला, गोवा में है ये। और इस अभयारण्य की जो आधिकारिक घोषणा थी वो 1999 की गई थी, दूसरा करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 ओनली। तो महादेवी वन्यजीव अभयारण्य गोवा राज्य के उत्तरी गोवा जिले में स्थित है, इसलिए गलत हो गया था पहला। वन्यजीव अभयारण्य वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इस अभयारण्य की आधिकारिक घोषणा 1999 में की गई थी और इस अभयारण्य में बंगाल टाइगर की उपस्थिति के कारण इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव है, समाचारों की सुर्खियों में, इसलिए इम्पोर्टेंट है। 6 प्रश्न है, कैलिफोर्निया उपभोक्ता गोपनीयता अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में कैलिफोर्निया उपभोक्ता गोपनीयता अधिनियम पारित किया गया जो कि इस तरह का पहला गोपनीयता कानून है। कहाँ पर? कैलिफोर्निया में, USA। और यह कानून 1 जनवरी 2020 से प्रभावी हुआ है जो कैलिफोर्निया को कंपनियों द्वारा डेटा के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है।
करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, हाल ही में कैलिफोर्निया में कैलिफोर्निया उपभोक्ता गोपनीयता अधिनियम कैलिफोर्निया कंज्यूमर प्राइवेसी एक्ट CCPA पारित किया गया, जो इस तरह का पहला गोपनीयता कानून है और यह 1 जनवरी 2020 से प्रभावी हुआ है, जो कैलिफोर्निया को कंपनियों द्वारा डेटा के उपयोग को नियंत्रित करने का क्या देता है, अधिकार देता है। अब देखिए, इन नियंत्रणों के अंतर्गत डेटा तक पहुंचने का जो अधिकार है वो डाटा दिए जाने पर डेटा के पूछने का अधिकार और तीसरे पक्ष को इसकी बिक्री रोकने का अधिकार शामिल है इसमें। अब देखिए, इंटरनेट की वैश्विक प्रकृति के कारण यह परिवर्तन दुनिया भर के उपयोगकर्ताओं को प्रभावित करेगा और यह कानून उपभोक्ताओं को बड़ी कंपनियों से अपनी जानकारी पर नियंत्रण वापस लेने का भी अधिकार देता है। सातवां प्रश्न है, जूस कोजेस है क्या है ये? जूस कोजेस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान सांस्कृतिक विरासतों को क्षति के बाद वर्ष 1954 में द हेग वियना में विश्व के राष्ट्रों ने सशक्त संघर्ष की स्थिति में सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण के लिए पहले अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय का आयोजन किया था। तो करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। अब आगे क्या है? हाल ही में अमेरिका ने इराक के मध्य उत्पन्न तनाव के चलते अमेरिका द्वारा ईरान के जिन 52 स्थानों को निशाना बनाने की धमकी दी गई है उनमें सांस्कृतिक स्थल के भी शामिल होने की आशंका है। मतलब 52 जो इसके वो है ना स्थान, अमेरिका ने धमकी दी है कि उनको क्या कर देगा, तहस नहस कर देगा, और यदि ऐसा हुआ तो यह जूस कोजेस का उल्लंघन होगा। तो जूस कोजेस क्या है? एक तरह से संधि है 1954 में की गई थी कि सांस्कृतिक स्थलों को नुकसान नहीं पहुँचा जाएगा चाहे वो किसी भी देश के हों। तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लाइट ही नहीं आ रही है।